उसके बाद चल नहीं होगी गला पे जड़ा चल खले हेलो गाइस, मैं हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली IGI यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और मैं अपने भाई को यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। छोटा भाई मेरा आज गया है, जा रहा है सऊदी। मैं उसका वेट कर रहा हूँ, इमिग्रेशन पे है वो आ जाएगा तो फिर मैं चला जाऊँगा अब घर के लिए। ये मेरे पास टर्मिनल 4 है और वो गया है मेरा भाई टर्मिनल 3 से। एक चीज़ यहाँ पर मैं जो महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा गम थोड़ी खुशी, थोड़ा गम थोड़ा खुशी, इसलिए है मैंने बोला। कुछ लोग अपनों को छोड़कर जा रहे हैं और कुछ लोग अपनों के पास आ रहे हैं। जो अपनों के पास आ रहे हैं वो खुश हैं, और जो अपनों के लिए छोड़कर जा रहे हैं वो दुखी हैं। अब बेशक वो जा उन्हीं के लिए रहें, कमाने के लिए। कोई किसी काम से, कोई किसी काम के लिए जाता है। अपनों से बिछड़कर अपनों के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, सब ठीक ठाक रहें। जो लोग आए हैं अपनों के पास, वो अपनों के साथ खुश रहें। यही महसूस मैंने किया, सोचा आप सब के साथ मैं ये शेयर करूं। और मुझे भी अफसोस, गम, थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि मेरा भाई भी मुझसे जुदा होकर अभी जा रहा है रियाद, सऊदी अरब। और मेरे छोटे भाई वहीं पर रहते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और वो जाए यहाँ से, खूब कमाए, खूब मेहनत करे और बड़ा आदमी बने और अपनी कामयाबी उसके कदम चूमे। इसी के साथ ये बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं। कुछ कनाडा, कुछ सऊदी, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ इंग्लैंड। सब लोग जगह जगह के लिए यहाँ से जा रहे हैं। कुछ ये देख, फैमिली मेरे पीछे मैं दिखा रहा हूँ, ये जा रहे हैं। ये कुछ खुश है, कुछ गम जुदा है। ये मैं पूरा एयरपोर्ट आपको दिखाऊंगा, बैक में करके। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप सब मुझे बताएं। इमोशनली मैं हूँ, अभी इमोशनल हूँ। क्योंकि मेरा भाई मुझसे जुदा हो रहा है और सऊदी के लिए जा रहा है। और कहने को तो बहुत कुछ है बट अभी लफ्ज़ नहीं आ रहे हैं। ये मैं एयरपोर्ट टर्मिनल 5 पर आ गया हूँ चलता चलता। ये सब तो देखिए कितनी भीड़ है, भरा हुआ है पूरा एयरपोर्ट। कोई किसी के साथ सेल्फी ले रहा है, कोई गले मिल रहा है, तो लोग भारी मन से यहाँ से जाते हैं। पूरी फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं छोड़ने के लिए एक दूसरे अपने भाई को, या पापा भाई भाभी वो सब लोग जा रहे हैं। ये वीडियो मैं इमोशनली बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। कैसा लग रहा है जो मैंने आपको बोला, सही लग रहा है या मैंने गलत बोला है, तो मुझे इसको कमेंट्स करके बताएं। ये